Hello everyone, welcome back to Academically. It's a happy day for all of us because our candidates like Ali has passed their CAPS exam. So congratulations Ali, we are proud of you. Thank you, Edmunds. Thank you. So Ali, I would just want to start with how are you feeling? Kaisa feel ho raha hai, kaisa lag raha hai, you know, complete karke apna CAPS exam. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आप एक स्ट्रगल करते हो, आप मेहनत करते हो दिन रात. सो आई मीन उसका फल मिल गया आज. मैंने तकरीबन 2-3 महीने स्टडी किया तो आज इसका फल मिल गया. बहुत एक्साइटेड हूँ. Yeah, and we are also very excited. तो आप अपने जर्नी के बारे में बताओ अली, how has been your journey so far? आपने academically कैसे चूज किया? क्या आपने कोई रिसर्च किया था टू चूज academically? Just tell us about that. ओके, सो मैं लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पर आया था, जैसा आपको मैंने बताया. देन मैंने यूट्यूब पे स्टडी लाइक सर्च किया था अबाउट द आई हैव नोन अबाउट द कैप्स एग्जाम फॉर लाइक 1.5 ईयर्स अगो. सो मैं इधर आया था, मेरे साथ डॉक्टर इकराम से गूगल मीट पे बात करी थी. देन ही मोटिवेटेड मी कि आप कैप्स करो, आप क्यों स्टूडेंट वीजा पे रहो और इतना फीस पे कर रहे हो एंड एवरीथिंग. तो बट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी और वो मास्टर्स की डिग्री है, सो इट वॉज हैक्टिक फॉर मी टू यू नो मैनेज एवरीथिंग. तो फिर मैंने डिले किया टिल जुलाई के बाद मैंने अपने असेसमेंट फाइल की और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जून में. आई थिंक जून में सेशन स्टार्ट हुआ था नवंबर बैच के लिए, तो मैंने जून में स्टार्ट किया था टिल नवंबर. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू गाइस. Yeah, that is great. So, आप पूरे एग्जाम में, you know, in whole your preparation to exam, जब आपने एग्जाम जिस दिन दिया, what was the most difficult part that you find कि मुझे ये बहुत ज़्यादा difficult लगा और इस चीज़ के लिए आप लोगों को बताना चाहोगे कि इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना? Definitely calculations part. I think most of people get calculations part के बोलेंगे क्योंकि वो कहीं से भी आ जाती हैं और वो mostly बाकी तरीकाज़ आपको almost आ जाते हैं. 50% आपको कर लेते इजी होता है, बट कैलकुलेशंस पार्ट मुझे ऑलमोस्ट 11-12 कैलकुलेशंस आई थी एंड इट वाज लाइक 7-8 वर लाइक न्यू फॉर मी, जीरो लाइक न्यू. सो फिर मैंने पेपर 2 जल्दी से पूरा किया और मैंने लास्ट में 30 मिनट्स अराउंड मैंने प्रॉपर उसको टाइम दिया कि मैं कैलकुलेशन को मैंने रिवाइज किया, मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया. तो कैलकुलेशंस आई थिंक दैट्स द मेन पार्ट. सबको फोकस करना चाहिए, फार्मूलाज याद करने चाहिए, दैट्स द मेन पार्ट. या क्योंकि हम भी जितने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जिन्होंने पास आउट किया है कैप्स एग्जाम, सबका यही राय है कि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. सो पीपल शुड फोकस ऑन द कैलकुलेशन, राइट? यस, डेफिनेटली. या एंड वुड यू आल्सो लाइक टू टेल अस दैट हाउ एकेडमिकली हैज प्लेड अ रोल इन योर जर्नी ऑफ कैप्स? मेजर रोल आई गेस के इसके बगैर आप आई हैव अ फ्रेंड के जिसने कैप्स दिया और उसका पेपर फेल हो गया, उसने दोबारा एग्जाम दिया. तो आई थॉट के इंस्टेड अब मैं दोबारा 3-4 महीने जाया करूंगा और मैं पैसे भी जाया करूंगा, वही अगर मैं एक प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करके वहां से स्टडी करूंगा तो मैं टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी खुद से कम ही लगेंगे. सो दैट्स वाई मैंने चूज किया कि मैं एक प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करूंगा, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सो इट्स वेरी बेनिफिट फॉर मी. That is great. और आपका भी उतना ही डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा. ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड, योर डेडिकेशन मस्ट हैव आल्सो हेल्प्ड अ लॉट. सो आप कुछ ऐसा चीज बताना चाहोगे जो लोग जो हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं वो ऐसा कुछ करें जो उनको नहीं करना चाहिए, यू नो, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस कोर्स? व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट? आई गेस मटेरियल बहुत ज्यादा है. अगर गूगल पे भी सर्च करो कैप्स मटेरियल तो इतने ग्रुप्स हैं, इतना कुछ बना हुआ है. सो आई डोंट थिंक सुपर इतना ज्यादा इधर उधर जाना चाहिए. जस्ट चूज वन, कोई एकेडमी ज्वाइन करें, कुछ भी हमें जो चूज करना है एक चीज पर स्टिक करेंगे ना, सो इट इज इजी फॉर यू ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक सो ये चीज लोग गलती करते हैं कि वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहां से भी मटेरियल पढ़े हैं, तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है. सो मैं लास्ट टाइम तक आई थिंक सो मैंने सारा मॉक टेस्ट दोबारा किया, रिपीट रिकॉल सारे किए हैं, वहीं पर सारा कुछ मैंने किया. अगर मैं आज आपके सामने हूं पास. Yeah, and we are also happy. My last question would be anything you would like to say through the academically team and our founder Dr. Akram. Thanks to all of you guys. बहुत बहुत जितना शुक्रिया अदा करूँ का मैं आप सब लोगों का, क्योंकि आपके बगैर मैम नासी वगैरह सबके जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबने बहुत मेहनत की है डेफिनेटली, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स करने, क्वेश्चंस का आंसर्स देना.
तो सबका थैंक यू वेरी मच, स्पेशली डॉक्टर क्राम का, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था जब मैं लास्ट ईयर आया था। तो बोला था तुम दो, तुमने क्यों इतनी फीस पे करनी है, तुमने ये सब क्यों करना सो नाउ व्हाट इज द प्लान अली, अब क्या सेलिब्रेशन होने वाला है, अब आप क्या करने वाले हो, क्योंकि खुश तो आप बहुत हो गए ऑब्वियसली, वो आपके है? चेहरे पे दिख रहा है, सो व्हाट इज द प्लान? सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं, फैमिली से दूर आप क्या सेलिब्रेट कर सकते हो, सेलिब्रेशन फैमिली के साथ होती है। तो बस यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं, रात को कुछ जाएंगे कुछ बाहर, बस दैट्स इट। बाकी पाकिस्तान वापस जाऊंगा नेक्स्ट, अभी लाइक दिन 2-3 मंथ्स, तो सेलिब्रेशन प्रॉपर वहां पर होगी, यहाँ पर तो नहीं। राइट, मस्त बिरयानी और सब चीज खा के अच्छे से सेलिब्रेशन, उसको बोलेंगे असली सेलिब्रेशन या विद फैमिली, या विद फैमिली ऑफ कोर्स, क्योंकि या फैमिली को आपने डेफिनेटली, बता दिया, वो लोग खुश हैं। या मैंने सुबह उन सबको कॉल किया, उन सबको मैंने बताया, वो दे वर वेरी हैप्पी, उन बहुत सपोर्टिव थे जाहिर शुरू से मेरे लिए। सो माय या मॉम्स माय डैड दे वेरी सपोर्टिव, सो डेफिनेटली उनके साथ ही जाकर प्रॉपर सेलिब्रेशन होगी। ओके श्योर, थैंक यू सो मच अली, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी फॉर यू, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव अचीव्ड दिस सक्सेस, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर नेक्स्ट जर्नी अहेड, एंड एकेडमिकली विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, वी विल हेल्प यू नाउ, टिल नाउ वी हैव हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम कोर्स, एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल हेल्प यू टू सेटल एंड यू नो टू माइग्रेट, एंड अच्छे से आप सब कुछ सेटल हो जाओ ऑस्ट्रेलिया में, और आप वहां पे वहां की सैलरी लो, तो हम आपको हर चीज में हेल्प करेंगे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच अली, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।